देखो क्वेश्चन है, सर्किट कंटेनिंग क्या गिवन है, आर सी माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना है, तो ये आर और सी का कॉम्बिनेशन है, ये क्या गिवन है, ई आर एम एस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, ओमेगा, ओमेगा से क्या जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगा। इम्पिडेंस निकालनी है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाय सी ओमेगा का होल स्क्वायर। आर पता है, सी पता है, ओमेगा पता है, आंसर कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है क्योंकि तो डिनोमिनेटर में आर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है और फिर अंडर रूट भी एलसीएम लेके, बट मेथड समझ में आ रहा है। ऐसी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में नहीं आती हैं, मतलब ईजी आती हैं, इतनी आती हैं कि आप कर सकें, बट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन है 20 वॉट 50 वोल्ट फिलामेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज। पहली बात तो ये क्या गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है 20 वॉट्स, तो और वी की वैल्यू इसके अंदर क्या गिवन है, 50 वोल्ट। कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी मेंस, ये क्या गिवन है, ई आरएमएस और फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो ये एसी के साथ कनेक्टेड है, तो एक काम करते हैं, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई से जो आई आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, आई आरएमएस। तो यहाँ से 20 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आपके पास आरएमएस करंट आएगा, और यहीं से पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से पी पता है, वी पता है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू पे आएगी, तो आई आरएमएस आ गया, आर आ गया, ई आरएमएस आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। व्हाट इज द कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू रन द लैंप, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सी आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन फिर से आर और सी का कॉम्बिनेशन है, आर सी के साथ सीरीज में है, तो एक काम करेंगे, ई आरएमएस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 250 वोल्ट, आई आरएमएस हमने ऑलरेडी निकाल लिया 0.4 एम्पियर, ई आरएमएस को आई आरएमएस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जेड। तो जो z होता है वो होता क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सी निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है आंसर, ठीक है यहां तक, तो z तो निकाल ही लेंगे, मेथड समझ में आ रहा है यहां तक। फोर्थ, तो फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन,
फॉर डीसी, डीसी करंट कैपेसिटर में से पास होता नहीं, क्योंकि डीसी करंट के लिए कैपेसिटर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट की थी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये 20 है और सीरीज में है, इन्फिनिटी प्लस 20 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आंसर इज इन्फिनिटी, पहला आंसर। फिर एसी के लिए क्या करता है, और एसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स है, 10/π kHz, ऐसे ये रहा फ्रीक्वेंसी। तो इम्पिडेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर, सी पता है, ओमेगा पता है, आर पता है, आंसर ठीक, तो आंसर आंसर आएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आपको इसमें सी की वैल्यू गिवन है, कनेक्टेड टू ये क्या गिवन है, ई आरएमएस की वैल्यू गिवन है, आपको इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, फाइंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, क्या निकालना है, आई आरएमएस, आई आरएमएस इज ई आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। तो ई आरएमएस क्या है पता है, 220, आपको क्या चाहिए, Z। अच्छा Z क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कौन सा कोई, ये तो सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर कैपेसिटर लगाया तो सीधा यहां पर क्या आएगा, X C, तो 220 डिवाइडेड बाय 1/C ओमेगा, C पता है, ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी से क्या जाएगा, ओमेगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी किसकी, IRMS की, IRMS आ गया। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है, अब ई आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है, तो पीक वैल्यू क्या होगी, ई आर एम एस इंटू रूट टू, आंसर ठीक है यहां तक। ठीक है,